हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फ्रांस के खिलाफ भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन भोपाल के इकबाल मैदान में भी कल हुआ। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन पर शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और ये प्रदर्शन जो है उसमें सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का खुला उल्लंघन हुआ था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट किया है। आगे उन्होंने लिखा है ट्वीट में, मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। शिवराज सिंह चौहान का रुख जो है वो इस प्रदर्शन के खिलाफ सख्त हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल के इकबाल मैदान की, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, लोग एक दूसरे से सट के चिपक के खड़े हुए थे। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुट गए। ब्रजेश, हजारों लोग इकट्ठे हुए, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन मैक्रोन का पुतला फूंका गया। जी विकास, ये कल दोपहर की बात है जब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में तकरीबन 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए इकबाल मैदान पे। उन्होंने जिस तरीके से फ्रांस में जो घटनाएं चल रही है उसका विरोध किया, फ्रांस का झंडा जलाया, फ्रांस के राष्ट्रपति का पोस्टर फूंका, उनके जो हदीस थे उनको जूते चप्पलों से पिटाई की गई और तमाम बड़ी तकरीरें हुई फ्रांस के खिलाफ। और जो विधायक थे आरिफ मसूद कांग्रेस के, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ हो रहा है फ्रांस में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान किया जा रहा है उसके खिलाफ ये सारी घटनाएं हुई हैं। हम सब लोग इकट्ठे हुए, सब में जान भी दे देंगे यदि उनके खिलाफ कुछ होगा। और साथ में बाद में इस आयोजन के बाद में वहां पे एहसान की और अमन के लिए दुआ भी मांगी गई। मगर इस पूरे मामले के बाद जब जैसे ही पुलिस को पता लगा, शाम होते होते पुलिस ने इस पूरे मामले में तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के इस जगह पे इकट्ठे हुए थे और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सख्ती जताई है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल के इकबाल मैदान की, जहां पर मैक्रोन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के विधायक ने कहा कि जान भी दे देंगे अगर मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई।